Hello everyone, so we are connecting again to talk about some issues with respect to your CA exams and some other pending issues as well jo students abhi face kar rahe hai. So after my last video some students messaged ki what is your personal view ya stand on this particular issue exam ka bhi and other things ka bhi. So abhi tak if anyone has followed our channel, I have always refrained from using any personal opinion, but today is a bit different issue. And I will let you know my personal views on this because अगर आप मुझे trust करते हैं and if you feel connected और तो it's my responsibility to share all these views in front of you all. तो वो हम बात करके चलेंगे. So the first part will be with respect to ICAI and what do I mean when I say with respect to ICAI, that if any office bearer, any member, कोई भी level का अगर ICAI के respect में ये चीज़ सुन रहा है तो please try to understand these issues and relate to those. And try to just imagine if you would have faced these issues when you were giving exams, then what would you have expected from your institute? वही चीज़ आज हम expect कर रहे हैं आपसे, right? तो इसके अंदर कोई भी वैसी वाली बात नहीं है कि कोई किसी को मतलब negative बोल रहा है या वो तरीके से नहीं. All we are aiming is to have a constructive resolution of these issues so that it is for the betterment of the institute as well and it is betterment for the students as well. क्योंकि कोई भी student को कोई अच्छा नहीं लगता है कि अपना time सेक्रीफाइस करके वो इन सब चीज़ों में रिप्रेजेंटेशन देने में मेल लिखने में लगा दे. बट ये करना पड़ रहा है बिकॉज दीज इशूज़ आर नॉट बींग एड्रेस्ड प्रॉपरली. सो ये इशूज़ मैं आपसे बात करता हूँ. सो कई मैसेजेस आए जो हम कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ कि स्टूडेंट्स का एक्चुअली दे फील थोड़ा सा लो, दे फील डिप्रेस्ड कि सर ये मतलब एक साइकिल सा बन जाता है. इट्स एक विशियस साइकिल सा बन जाता है कि बार बार ये पढ़ रहे हैं और ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, या फिर पोस्टपोनमेंट अगर होती है तो इतना सारा पढ़ने के बाद एक 10-15 दिन 20 दिन पहले पोस्टपोन हो गया, अभी वाला फिर से पोस्टपोन हो गया. अब ऑब्वियसली डाउट्स कम कि सर ये वाला होएगा या नहीं होएगा. तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर इफ़ इंस्टीट्यूट कैन प्रोवाइड अस विद द कंक्लूसिव फैक्ट्स कि अगर जैसे विद रिस्पेक्ट टू अभी जो हमारा है एज ऑफ नाउ वी नो 21 नवंबर से हमारा एग्ज़ाम है, तो कई स्टूडेंट्स जो है कोई रिमोट एरियाज में रह रहा है, अगर उसको प्लान करना है कहीं और से पेपर देना, उसने कोई एडमिशन सेंटर भर रखा है, ही और शी नीड्स टू मेक सर्टन ट्रैवल अरेंजमेंट्स, ही और शी नीड्स टू मेक सर्टन रहने के इंतज़ाम, होटल अरेंजमेंट्स प्लस ट्रैवल, और ये होटल करने में भी टाइम चाहिए होता है. इट माइट नॉट बी द पॉसिबल कि हम एंड में एकदम से वो सारी चीज़ें कर पाए. फैमिली नीड्स टू प्लान अगर कोई साथ में जाने वाला है, तो ऑल दीज थिंग्स आर पेंडिंग अपॉन द रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड. तो ये सारी चीज़ें आपके एक एडमिट कार्ड से सॉल्व हो सकती है. तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर ICAI एक विद रिस्पेक्ट टू एडमिट कार्ड अगर कोई रिजोल्यूशन दे दे क्विकली, बेसिकली एडमिट कार्ड रिलीज हो जाए, या फिर ऑब्वियसली इफ़ वी नो कि कब रिलीज होने वाले, ताकि उस हिसाब से प्लानिंग हो जाए. बिकॉज मेन जो इशू आता है दैट इज़ द अनसर्टेनिटी कि हमें पता नहीं है. एक बार पता चल जाए फिर चाहे वो पॉजिटिव हो और इट इज़ नेगेटिव, वी कैन हैंडल दैट पार्ट. पॉजिटिव या नेगेटिव एक बार पता चल जाए तो आगे हम हैंडल कर सकते हैं, बस पता चले. तो ना पता चलने का जो टाइम होता है ना, उस टाइम बंदा पढ़ भी नहीं पाता. इट इज़ वेरी वेल मतलब ये चीज़ हमें पता है, तो उसमें डरना मत. कोई भी स्टूडेंट लेवल पर इस चीज़ से मत डरना कि आपसे मतलब यू आर नॉट एबल टू फोकस, ये थोड़ा सा रहता है, इट्स वेरी नॉर्मल. बट हम बात करेंगे उसके बारे में एंड में कि कैसे किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो एक ICAI से रिक्वेस्ट है, एक एडमिट कार्ड का एंड एग्जाम के रिस्पेक्ट में ये जो भी इशू है, एक बार इसके रिस्पेक्ट में कुछ एक अपने साइड से कंक्लूसिव, जिससे कॉन्फिडेंस, यू नीड टू इंस्टॉल द कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स कि हाँ ये चीज़ होएगी और अब इस चीज़ की आप चिंता मत करना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर एक भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो वो एक खुशी कह लो, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स में वापस कि हाँ यही हमारा इंस्टीट्यूट हमें बता के चल रहा है, राइट. बिकॉज आई सॉ सम ट्वीट्स ऑल्सो कुछ ICAI के मेम्बर्स से, या मतलब उसमें मैंने पढ़ा था कि द एग्जाम्स विल बी ऑन द एज शेड्यूल डेट, प्लीज स्टडी, एंड एकदम से फिर वो पोस्टपोन हो जाते हैं. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ICAI के जो टॉप नॉच ऑफिसर्स है उन्हीं को नहीं पता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट का कुछ इशू चल रहा है. सो अगर आप ट्रांसपेरेंसी रख के चलोगे तो इट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, एंड आई डोंट थिंक दैट स्टूडेंट्स या कोई भी फैकल्टी अगर ये मांग रहा है तो ही और शी इज़ बींग वेरी अनरीजनेबल अबाउट इट. ये चीज़ बहुत ही रीजनेबल है. सेकेंड, वन ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली मैसेज मी, नाम नहीं लूँगा, एक मेम्बर थे ICAI के. द स्टूडेंट वॉज रेजिंग दिस पर्टिकुलर इशू दैट इफ द दैट पर्टिकुलर सेंटर इज डिक्लेयर्ड एज कंटेनमेंट जोन, तो उसके रिस्पेक्ट में वो स्टूडेंट को आप अलाउ नहीं कर रहे एग्ज़ाम देने का, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. उसके रिस्पेक्ट में एक अलग से PIL वगैरह दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, वो बात नहीं है. बट द वे द मेंबर हैज़ रिप्लाइड,
एक बार कुछ उसने रिप्लाई किया एंड द स्टूडेंट हैज नॉट यूज्ड एनी अब्यूजिव लैंग्वेज, एनी बैड मैनर्स, मतलब एक कहते हैं कि गलत तरीके से कुछ भी नहीं लिखा था. एंड द मेंबर इन द नेक्स्ट मैसेज हैज रिटन दैट डोंट हैरेस मी, आई विल ब्लॉक यू. सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी अगर मेंबर देख रहा है, आपको लग रहा होगा कि मेरे को बहुत मैसेजेस आ रहे हैं या मेरे को क्यों लोग पूछ रहे हैं, लेकिन आप प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा कि स्टूडेंट भी तो किसके पास जाएगा, स्टूडेंट भी तो किसके पास जाएगा. मेल्स वगैरह के सारे के प्रॉपर रिप्लाइज हमेशा नहीं मिल पाते. सोशल मीडिया पे हम लिखते हैं, उसका कोई एज सच रिप्लाई नहीं मिलता है. तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ICAI के किसी मेंबर से पूछ रहा है, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस तरीके से डोंट रिप्लाई, बिकॉज इट मे शैटर द कॉन्फिडेंस और एक अलग से निगेटिव एनर्जी दिमाग में क्रिएट हो जाती है. अगर इसी की जगह आप थोड़ा सा प्यार से इफ़ यू आर एबल टू रिप्लाई द स्टूडेंट, तो उससे वो एक खुश हो जाएगा स्टूडेंट कि एटलीस्ट चलो ये निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया एंड द मेंबर इज नॉट बीइंग रूड टू मी. क्योंकि अगर ऐसे रिप्लाईज आएंगे कि डोंट हैरेस मी या ये सब चीज़ें, तो स्टूडेंट और कह सकते हैं एक निगेटिव हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी मेंबर के पास कोई भी ऐसे मैसेजेस आते हैं, जस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दोज मैसेजेस इन अ केयरिंग मैनर, इन अ हम्बल मैनर, कि उसको थोड़ा सा अगर समझा सकते हो तो आई एम नॉट सेइंग राइट लॉन्ग मैसेजेस, लेकिन थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुल मैनर में अगर रिप्लाई कर सकते हो तो प्लीज़ करना, राइट. इसको छोड़ के एक जो आर्टिकलशिप के रिस्पेक्ट में एक इशू आया था, दैट इज़ वी एवरी वन नो कि आर्टिकलशिप का जो एक्सटेंशन में दे आर द प्रिंसिपल्स आर आस्किंग, बिकॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी दिस स्पेसिफिक पॉइंट दैट ही आस्क्ड हिज प्रिंसिपल रिगार्डिंग हिज लीव्स. तो इट वॉज प्रीटी मच क्लियर टू हिम दैट वो जो उसका लीव का पीरियड है वो गिन लिया गया था, जो पोस्टपोनमेंट हुई थी उसकी तो गलती भी नहीं थी. अब आप ये सोचो कि एज अ स्टूडेंट लेवल पे ही और शी प्रिपेयर्ड एंड टुक द लीव्स फ्रॉम हिज प्रिंसिपल एज पर द एग्जाम डेट्स अनाउंस बाय द इंस्टीट्यूट. अब उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट ने वो पेपर पोस्टपोन कर दिया, तो स्टूडेंट की कोई गलती नहीं थी इस केस में. और ये स्टूडेंट्स का आर्टिकल्स का ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आर्टिकल्स पूरे टाइम एनरोल हो रहे होते हैं, सो द वर्क कैन बी मैनेज्ड, द वर्क कैन बी मैनेज्ड. और अगर बिल्कुल ही कुछ इंपॉर्टेंट काम है कि भैया वो आर्टिकल का काम फंसा हुआ है एंड ही इज ही और शी इज नीडेड, तो उतना पार्ट के लिए आप थोड़ा सा वो कर सकते हो, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो पूरे के पूरे जो महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने वो आप लीव में गिनोगे एंड द आर्टिकल हैज टू सर्व आगे का और पीरियड. अब वो अगले एग्जाम के लिए पढ़ेगा या अगले पोस्टपोनमेंट की चिंता करेगा या ये आर्टिकलशिप की चिंता करेगा, तो ये चीज़ अगर आपके साइड से रिजॉल्व मेरे हिसाब से हो सकती है. और इससे ये जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को आप रिजॉल्व करके काइंडली प्रोवाइड द रिलीफ टू द स्टूडेंट्स, टू द आर्टिकल्स, हु कैन नाउ कॉन्सेंट्रेट एट लीस्ट ऑन द एग्जाम्स, के घर पे बैठ के प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की टेंशन ले. ये नहीं कि पढ़ाई करे या एग्जाम की ले या फिर साइड से प्रिंसिपल के कॉल्स आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट कैन नॉट बी डन. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ये आपके ICAI के रिस्पेक्ट में कुछ पेंडिंग पॉइंट्स थे. एंड ऑब्वियसली वो जो रिवाइज्ड SOPs और ये सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में भी अगर थोड़ा सा ICAI से अगर रिक्वेस्ट हो सकती है दैट रिवाइज्ड SOPs शुड बी इशूड एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज उसके रिस्पेक्ट में भी एक प्रिपरेशन अलग हो सकती है स्टूडेंट्स की. रिवाइज्ड SOPs के हिसाब से भी शायद सेंटर्स भी अगर चेंज करने का मौका मिले तो वो देना चाहिए. तो अगर इन सारे इश्यूज में से आप जो भी प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी इशू इसमें से अनरीजनेबल नहीं है, नन ऑफ द रिक्वेस्ट इज अनरीजनेबल. सो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये सारे इशूज आप प्लीज़ रिजॉल्व करिए ऑन स्टूडेंट लेवल, ये बहुत रिलीफ देगा, राइट. तो SOPs वाला पॉइंट जो है वो भी आप थोड़ा सा कंसिडर करना, ताकि स्टूडेंट कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द SOPs. और अगर सेंटर का भी अगर आप ऑप्शन दोगे चेंज करने का, तो उस हिसाब से वो प्लान कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर अरेंजमेंट्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ दैट. नाउ कमिंग टू द स्टूडेंट्स पॉइंट, व्हाट यू कैन डू कि एक स्कैनरियो एनालिसिस जैसे हम करते हैं, डिसीजन ट्री एनालिसिस, वैसा अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करना. कि जस्ट टेक द 3 सिचुएशंस दैट व्हाट इफ एग्जाम्स आर कंडक्टेड एज पर द करंट शेड्यूल, व्हाट इफ देर इज सम पोस्टपोनमेंट, हमें नहीं पता भी क्या होने वाला है, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा है आपको लग रहा है पोस्टपोनमेंट होने वाला है, आप उसके हिसाब से स्कैनारियो बनाओ. आपको लग रहा है कि होइंग इस नवंबर 21 से ही, मतलब 21 नवंबर से ही होएंगे, आप उसके हिसाब से अपना एक वो बना लो शेड्यूल. और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा कुछ और हो सकता है सिचुएशन, आप वो सोच के चलो, एक स्कैनारियो एनालिसिस बना लो, इस सिचुएशन में आपको किस तरीके से काम करना है, ये सिंपल लेकर चलो. उसके बियॉन्ड ट्राई टू नॉट ओवरथिंक. क्या आपको डेली रिप्रेजेंटेशंस वगैरह भेजनी है, वॉट एवर यू कैन इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर. एक चीज़ मैं आपको ज़रूरी एडवाइस करूँगा, कहीं पे भी आपको गलत वर्ड्स, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, बिकॉज यूट्यूब पे सॉ सम कमेंट्स जहाँ पे द वर्ड्स यूज वर वेरी वेरी रॉन्ग.
एक अंडरस्टैंड करना कि इंस्टीट्यूट जो है वो ICAI दैट विल नेवर बी डिफाइंड फ्रॉम इट्स मेंबर्स. मेंबर्स मतलब जो भी करंट ऑफिस बियरर है. जब डिग्री मिलेगी तब ICAI की डिग्री मिलती है. ICAI के उस टाइम प्रेसिडेंट, उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट, उस टाइम काउंसिल मेंबर्स, CC मेंबर्स, ये सारी चीज़ें नहीं आती है. तो अभी अगर किसी पर्टिकुलर जो हैंडल कर रहे हैं अफेयर्स, उनकी वजह से अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आप ICAI के अगेंस्ट मत जाओ, ICAI को गाली मत दो. यू आर ICAI एंड ICAI इज यू. ठीक है, हम सारे एक मिलकर, इट्स अ बिग फैमिली. तो वो चीज़ आप कभी भी भूलना मत. वॉट एवर यू आर राइटिंग, वॉट एवर रिप्रेजेंटेशन, 100% दो. एक लिमिटेड टाइम जो मैं कहता हूँ, लास्ट वीडियो में आई स्ट्रेस वन पॉइंट कि आपको अननेसेसरी किसी के इसमें नेगेटिव कमेंट्स या उसके अंदर नहीं उलझना है. बट रिस्पेक्टफुली जो जो आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो टू ICAI, इधर बाय राइटिंग मेल और सोशल मीडिया पर, वो सारे कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो डूइंग, आप भी कर सकते हो. वो रिप्रेजेंटेशन एंड कंसर्न्स इन अ वेरी जेन्युइन मैनर एंड इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर एंड लैंग्वेज शुड बी गिवन टू ICAI. वो आप जरूर देना, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज लास्ट पॉइंट है ये कि कहीं पे भी किसी भी डिसीजन मेकिंग जब आप करोगे तो प्लीज़ ध्यान रखना कि हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी. कहीं पे भी आपको कोई भी चीज़ जो मिलेगी, चाहे आप डिग्री ले लो, चाहे आप IPCC से फाइनल लेवल पे आ जाओ, आगे की सारी चीज़ें इस पे डिपेंडेंट है हाउ हेल्दी यू आर. बिकॉज ये जो एंटायर ये जो कोविड एंड ये जो चल रहा है इसको प्लीज़ लाइटली मत लेना. कोई भी स्टूडेंट इसको लाइटली मत लेना. प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी योर हेल्थ एंड ओनली हेल्थ, और आपकी और आपकी फैमिली की. तो आपकी और आपकी फैमिली की कंसेंसस होना जरूरी है वॉट एवर डिसीजन यू टेक, और फिर उसके हिसाब से एक्ट करना है. फिर बचे हुए ड्रीम्स आएंगे. ठीक है, जब प्रॉपर तरीके से हेल्थ रहेगी तो ही हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे, उनको आगे तरीके से वी विल बी एबल टू लिव दोज ड्रीम्स. राइट, सो यही मेरे साइड से पॉइंट्स थे. स्टैंड क्लियर करना जरूरी था, और अगर कोई ICAI का बंदा ये चीज़ सुन रहा है तो उसके सामने आई हैड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दोज व्यूज एंड ब्रिंग आउट दिस इश्यूज इन कि क्या जो इश्यूज फेस हो रहे हैं. आई वांटेड टू ब्रिंग दोज आउट, और अगर इसके रिस्पेक्ट में ICAI शुड रिजॉल्व दिस इश्यूज एज सून एज पॉसिबल इन द बेस्ट मैनर. ठीक है, सो ऑल बॉटम लाइन इज वी जस्ट वॉन्ट क्लैरिटी, वी जस्ट वॉन्ट सर्टेनिटी. एंड जो अनफेयर इशूज़ है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी मतलब स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, वो प्लीज़ उसके लिए हमें मत सफ़र कराओ. ऑलरेडी एग्ज़ाम्स का और ये पोस्टपोनमेंट का बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं स्ट्रेस कह लो, प्रेशर कह लो है. तो जो चीज़ें रिजॉल्व की जा सकती है एंड वी डिज़र्व वो वाली चीज़ें, वो आप प्लीज़ हमें दे दो. बस दिस इज़ द फाइनल स्टैंड फ्रॉम आवर साइड. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एक रिविजन वीडियोज वगैरह के रिस्पेक्ट में आई गॉट सम रिक्वेस्ट, सो बिलीव मी आई वॉन्ट टू गेट इट डन एज सुन एज पॉसिबल, बट ड्यू टू ऑल दिस इशूज अभी सारी क्लासेज भी एक्सटेंड हुई हुई है. दिस वीडियो इज ऑल्सो बींग अपलोडेड, बहुत 3 बजे रात को शूट हो रही है. तो बिलीव मी, जैसे ही आई एम एबल टू कोई भी शूट हो पाती है वीडियो एंड उसको अपलोड करवा पाता हूँ तो वो ज़रूर हो जाएगी. तो वो जस्ट उसके बारे में टेंशन मत लेना, वो चीज़ हो जाएगी साइड से. राइट, सो एट द एंड आई विल से द सेम थिंग्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ, हेल्थ एंड हेल्थ कंसर्न आपका पहले रख के चलना, आपको और आपके फैमिली का, देन एवरीथिंग, एंड टेक वन डे एट अ टाइम. बहुत लंबी प्लानिंग मत करना. इस बार मैंने स्टडी प्लानिंग की वीडियो भी नहीं डाली लेटेस्ट टाइम टेबल के हिसाब से. जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम, छोटी छोटी प्लानिंग करो अगले 2-3 दिन में क्या करना है, एंड बस उन 3 दिनों प्लान्स के हिसाब से चलते रहो. ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत करना. अगर कोई इशू आपके रिस्पेक्ट में रेलिवेंट नहीं लग रहा है उसके अंदर मत उलझना. अपने रिस्पेक्ट में जो जो चीज़ें लग रही है वही चीज़ों के बारे में सोच के एनालाइज करके आगे चलो. राइट, सो अगेन ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बाय.